A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Smita Panigrahi. On behalf of the whole Etiosian family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you science class 8 and we are reading chapter 16, Light. Okay, so this is the last chapter of your book and iske baad hum conclude karenge. It's the last chapter, right? Okay, so this is the second part and I hope ki yahan pe khatam ho jayega. ठीक है. सो इफ़ यू न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लीज़ यू मे गो टू द प्लेस एंड चेक आउट द अदर वीडियोस. ठीक है. सो देखते हैं क्या हम डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू दैट ई ट्यूशन इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर बेटर टुमारो. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. So today we'll be discussing dispersion, human eye and visual defects. उसके साथ क्या है देखते हैं. ओके, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज. रियल और वर्चुअल इमेज क्या है बताओ. सॉरी थोड़ा छूट गया. ठीक है, मतलब लास्ट वाला ऑन टू अ स्क्रीन जो है छोटा हो गया, कोई बात. रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है. रियल इमेज जो होता है एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेज. ठीक है, तो रियल इमेज जो होता है एग्जैक्टली जैसा इमेज होता है आपको वैसे ही दिखता है, लाइट रेज के वे में फॉर्म होता है. जबकि एक वर्चुअल इमेज जो होता है वो डाइवर्जिंग के थ्रू में फॉर्म होता है. ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन एन आउटगोइंग रेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज डाइवर्ज. ठीक है, द इमेज अपीयर्स टू बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ अपेरेंट डाइवर्जेंस बिकॉज द रेज नेवर रियली कन्वर्ज. अट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन. बेसिक डिफरेंस जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में आएगा वो ये है कि रियल इमेज को हम स्क्रीन में अपटेन कर सकते हैं पर वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में अपटेन नहीं कर सकते, हमें वो स्क्रीन में नहीं दिखेगा. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन. नाउ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, आप ज़रूर वो भूल भुलैया वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा, आप जैसे ही घुसते हो वहाँ पे आपको देखा होगा हर जगह आपको आपका चेहरा दिखेगा, सामने साइड में, इस लेफ्ट साइड, राइट साइड, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे तक आपको आपका रिफ्लेक्शन मिलेगा. यानी आप जैसे ही वहाँ पे एंटर करते हो एवरीवेयर यू विल बी सीइंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ योर्स. तो अब जब आप मिरर के सामने खड़े हैं तो हमें आपका अपना एक ही चेहरा दिखता है, पर अगर हम ऐसे घर बना दें जहाँ पे चारों तरफ मिरर हो तो क्या होगा, हमें बहुत सारे रिफ्लेक्शंस दिखेंगे. राइट, ओके. टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर दो मिरर भी अगर लगा होगा तो एक से ज़्यादा आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिख सकता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू पैरेलल ट्विन मिरर्स इनफिनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड. और क्या होगा, अगर पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट होगा जस्ट दो मिरर के बीच में रखा होगा तो आपको एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल नहीं, इनफिनाइट ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो. यही वाला गेम होता है जब आप जाते हो भूल भुलैया में देखने. मिरर्स कम होते हैं लेकिन आपको बहुत सारे दिखते हैं क्योंकि ये बीच में ऑब्जेक्ट होता है एग्जैक्टली दो मिरर्स के बीच में, जिससे कि इनफिनाइट इमेजेस फॉर्म होता है. कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म करोगे. ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स हमें पता चलेगा कैसे, 360 डिग्री, 360 डिग्रीज बाय थीटा. ठीक है, 360 डिग्री जो भी है, 360 डिग्री आप ऊपर लिखोगे बाय थीटा, कितने एंगल में आप खड़े हो, -1, उससे पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होने वाले. नाउ इट्स कम डिस्पर्शन. डिस्पर्शन के बारे में आपने सुना होगा. व्हाट इज डिस्पर्शन. डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन सेवरल कंपोनेंट्स इज नोन एज डिस्पर्शन. सबको पता है एक जो लाइट होता है बहुत सारे कलर से बने हुए होते हैं. विब क्योर जो कि आपका है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो विबग्योर से हमारी एक पर्टिकुलर लाइट बनी होती है. ठीक है, जब भी वो स्प्लिट होती है या जब भी वो जो होता है दैट इज जो भी रे ऑफ लाइट वाटर मॉलिक्यूल से या फिर प्रिज्म से टकराती है उसी टाइम पे डिस्पर्स होता है. एग्जांपल है रेनबो, आप पिक्चर में देख सकते हो लाइट आता है, पानी वाटर ड्रॉप से टकराता है, वी कैन सी दैट विबग्योर रेनबो दिखता है हमें, है कि नहीं. ह्यूमन आई, सी द ब्यूटीफुल आई, ह्यूमन आई. ह्यूमन आई इज स्पेरिकली शेप्ड सेंस ऑर्गन. एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है. ठीक है, और हमें वो क्या करते हैं, ह्यूमन आई के वजह से ही हम अपना आँख मतलब हम चीज़ें देख पाते हैं. सो इट अलाउज अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इट्स अ ब्यूटिफुल सेंस ऑर्गन और हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज देर सो मेनी पीपल हु कैन नॉट सी एनीथिंग. ठीक है, हमको वो कुछ देख नहीं पाते हैं दे और किसी किसी का होता है उनका मतलब कलर परसेप्शन, किसी को कलर नहीं दिखता है, किसी को मतलब विजुअलिटी किसी की सही नहीं है, तो किसी को बीमारी है, तो वो जो होते हैं मतलब सही चीज़ें देख नहीं पाते. जबकि हम देख पाते हैं पर फिर भी हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं जिसकी वजह से हमारी आँखें डैमेज होती हैं. सो प्लीज़ डू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज. ओके,
stay away from the cell phone and do not use it for long hours. Okay, all right. So this is a picture of eye. Okay, now eye ke different organs hame pata hai, light jo enter karti hai, it enters through a transparent bulgy organ, bulge front, that is known as cornea. ठीक है, आइरिस जो है एक मस्क्यूलर डायफ्रेगम है जो कि साइज ऑफ द प्यूपल कंट्रोल करती है डिपेंडिंग अपॉन कितना लाइट एंटर कर रहा है. प्यूपल एक स्मॉल ओपनिंग होता है आइरिस में, लेंस होता है जिससे कि हम चीज़ों को देख पाते हैं. रेटिना जो होता है वहाँ पे हमारी इमेजेस फॉर्म होती है, और वही जो होता है रॉड्स एंड कॉन्स हमें डार्कनेस और लाइट के कलर्स डिफरेंस बताती हैं. कॉन्स जो होता है सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट होता है, और रॉड्स आर सेंसिटिव टुवर्ड डिम लाइट होता है. यही ऑप्टिक नर्व्स जो होती है मैसेज पहुंचाती हैं, और ये उसके बाद ब्रेन तक मैसेज जाता है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सी दिस इज़ अ पर्टिकुलर, यू कैन सी जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्क्लेरा इज़ अ वाइट पार्ट, कॉर्निया इज़ अ बल्जिंग पार्ट, प्यूपल लेंस जो जिससे एंटर करती है आइरिस ग्रीन कलर, सिलियरी मसल इज ब्लू, यहाँ से विट्रस ह्यूमर है, अंदर जो आपके नर्व्स हैं, रेटिना में इमेज फॉर्म होता है. ऑप्टिक नर्व कोई भी चीज़ आप देखते हो उसका इमेज फॉर्म होता है रेटिना में. ऑप्टिक नर्व उसका मैसेज कैरी करता है टू दैट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज योर ब्रेन, और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आता है. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन्स इन माइक्रो सेकेंड्स. ओके, सो दिस हैपन्स वेरी अर्ली. सो ये बहुत ही ब्यूटिफुल सेंस ऑर्गन है. विजुअल डिफेक्ट्स, नाउ बहुत सारे विजुअल डिफेक्ट्स आपको देखा होगा, किसी किसी को पास की चीज़ें नहीं दिखती, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक या फिर फार साइटेडनेस. ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिक या फिर फार साइटेडनेस, यानी कि उस बंदे को दूर की चीज़ें दिखती है, पास की चीज़ें नहीं दिखती है. नेक्स्ट कम्स दैट इज मायोपिक या फिर नियर साइटेडनेस, यानी उसको पास की चीज़ें दिखती है बट दूर की चीज़ें नहीं दिखती, उसकी वजह से उनको लेंस यूज़ करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट और एक होता है प्रेसबायोपिया, जिसमें कि बंदे को पास और दूर दोनों का नहीं दिखता है, वो 40 के बाद होता है. कुछ लोगों का कैटरेक्ट हो जाता है, क्लाउडी फॉर्म हो जाता है उनके लेंस में, जिसकी वजह से उनको ऑपरेट करना पड़ता है. ठीक है, नाउ कम्स ब्रेली सिस्टम, द ब्लाइंड पीपल हु कैन नॉट सी, उनके लिए क्या होता है, उन्हें कैसे, वो भी तो पढ़ते हैं लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, उनका सिस्टम होता है ब्रेली सिस्टम. ब्रेली सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न से कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें ही टच करके वो जानते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट है. ठीक है, तो ये जो होता है एक ब्रेली शीट्स आती है, और शीट्स में ऐसे डॉट्स बनाए होते हैं, गड्ढे किए होते हैं, और उसी से अल्फाबेट्स जो होता है उनका जो भी पढ़ाई है डॉट्स के हिसाब से ए बी सी डी बनाया होता है. ए बी सी डी नहीं बनाया होता है, वो ए मतलब एक डॉट, बी मतलब दो डॉट, वैसा होता है. ठीक है, सो वहाँ पे उनको पढ़ाना सिस्टम अलग रहता है, 63 डॉट पैटर्न से वो पढ़े रहते हैं, और उसी को वो टच करके जानते हैं कि कौन सा अल्फाबेट है, क्योंकि डॉट्स अगर उठे हुए होंगे तो उनके लिए बहुत इजी होता है उसे रिकॉग्नाइज करना. ठीक है, इंस्टेड ऑफ बिकॉज यू कैन नॉट रीड और सी एनीथिंग, राइट. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, इतना ही है आपके पार्ट में. ठीक है, और कुछ नहीं है, बस आपको आई वाला पार्ट आपको ध्यान से पढ़ना है. जो भी आपका आई का पार्ट है उसमें क्या करना है, उसमें आपको देखना है, आपको आई का डायग्राम, आपको डेफिनेशन जाना है, स्क्लेरा है, ये लेंस है, ये ऑप्टिक नर्व है, विट्रस ह्यूमर है, दिस इज योर नाम, जो भी है. ठीक है, टोटल पार्ट्स आपको जानना है, थोड़े बहुत फंक्शन जान लो, दैट्स इट. 5 मार्क्स क्वेश्चन आई गेस इट विल बी कमिंग. सो अभी चैप्टर कंप्लीट होता है, तो अभी आप अपना एनसीईआरटी उठाओ, प्रॉपरली नोट्स बनाओ. अपने नोट्स बहुत अच्छे याद रहते हैं, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं इनफैक्ट. तो अपने नोट्स बनाओ, चालू हो जाओ, ठीक है, और फिर पढ़ना चालू करो धीरे धीरे करके. नोट्स बना के रिवाइज करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक्स्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो, और किसी को अगर कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है. आई मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में आई ब्रिंग अप क्वेश्चन आंसर सेशन, जो भी बच गया है उसका आई ब्रिंग दी जो भी क्वेश्चन है. ठीक है, ठीक है ना, ओके. सो जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं या आपके बचे हुए जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में लाएंगे. ठीक है, आई ट्राई टू ब्रिंग ऑल द क्वेश्चन आंसर, जो भी बचे कुछ हैं उसको मैं इस हफ्ते कंप्लीट कर दूँगी. सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है. क्वेश्चन आंसर सेशन जो भी एक दो चैप्टर्स का है उसको मैं ले आऊँगी, तो वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो आप रिवाइज करो, और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द पोर्शन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, तो आई वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लेना,
ठीक है, रेनबो वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लेना। आपको पता है विबग्योर फॉर्मेशन होता है, लाइट जो होता है वो एक कलर का नहीं होता, वो सेवन कलर्स के मिक्सचर होते हैं। तो जब भी वो वाटर ड्रॉपलेट से टकराता है और वही हमें डाइवर्ज होके सेवन कलर्स हम स्पॉट करते हैं, जिसको बोलता है रेनबो। ठीक है, प्रिज्म के केस में भी होता है, प्रिज्म में जब भी सन रेज गिरता है तब हमें सेवन लाइट्स डिस्पर्स होता है, दिखता है। सो ये कुछ कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आपको फर्दर क्लासेस में भी काम आएंगी, ठीक है ना। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, ठीक है, अच्छे से पढ़ना चालू करो और एकदम जोर शोर पढ़ाई करना चालू कर दो। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा तो कैसे क्या, पूरा अच्छे से पढ़ाई करो और बिल्कुल भी मतलब स्लो मत हो। ठीक है, अच्छे से अपना नोट्स बनाओ, अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व करो ईमानदारी से। ठीक है, इधर उधर कहीं से देखना नहीं है, अपने से ही मेहनत करके सॉल्व करना है। एग्जाम होगा ऑफलाइन, सो फॉर दैट यू हैव टू बी रेडी। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द पोर्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक एंड अ न्यू चैप्टर। टिल देन आई विल कंटिन्यू, प्लीज स्माइल, बाय।